ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, मैं बता देता हूँ कौन सी गलती, नहीं तो आपको चमड़ी के इतने भयंकर भयंकर रोग हो जाएंगे, और आपको ऐसे ऐसे रोग भी हो सकते हैं जिनको देख करके लोगों को घृणा उत्पन्न हो जाती है। चमड़ी के ऐसे घातक घातक रोग हो सकते हैं, खुजली भी हो सकती है, दाद भी हो सकते हैं, चकत्ते भी पड़ सकते हैं, और चमड़ी फट भी सकती है, और सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं, इतने भयंकर भयंकर रोग हो सकते हैं। सिर्फ ओनली एक छोटी सी गलती है जिसको मैं भी आपको बताने वाला हूँ, तो बात को मेरे को ध्यान से सुनना, कोई मतलब कि वैसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अपने पास से बना करके। ऋषियों की विद्या, ऋषि बहुत महान थे, ऋषि नाम चरितम सत्यम, जिनका चरित्र भी सत्य था, और जिस मार्ग पर वो चल करके गए थे वो बातें भी ऐसी ही किया करते थे और बताया करते थे। तो आयुर्वेद शास्त्र की मेरे पास चरक संहिता भी रखी है, दूसरी वाली पुस्तकें भी रखी है, तो उसके अंदर मैंने देखा, अभी एक दो दिन से मैं भी उनका स्वाध्याय कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर विरुद्ध आहार का देखा कि वहाँ पर एक विरुद्ध आहार का टॉपिक है, जो मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको एक साथ मिला करके खाने से ना आपको रोग हो सकते हैं, और बहुत बुरे रोग हो सकते हैं। आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपकी चमड़ी भी ख़राब हो सकती है, आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि वहाँ पर ये भी लिख रखा है कि डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल मर भी सकते हो अगर विरुद्ध आहार का सेवन करोगे। यानी कि रात के समय अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली तो सुबह तक पता ही नहीं कि यहाँ से पत्ता ही साफ हो गया, वास्तव में ऐसी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि कम से कम अपने दर्शकों, जितने भी मुझे फॉलो करने वाले हैं, फिर मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले हैं, उनको तो मैं कम से कम ये बात बता दूँ। उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके पीछे संकेत करना चाहूँगा, उनको बताना भी चाहूँगा। देखो आयुर्वेद के अंदर एक सूत्र लिख रखा है, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधनि सेवनई, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधनि सेवनई। यानी कि जो यार व्यक्ति पथ्य का पालन करता है, परहेज करता है, उसको दवाई की ज़रूरत क्या पड़ती है, और जो परहेज नहीं करता उसको दवाई की ज़रूरत क्या। यार जो व्यक्ति परहेज कर रहा है उसको ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत क्या, क्योंकि उसको तो कोई रोग हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति परहेज ही नहीं कर रहा यार, वो कितनी ही दवाई खा ले, कितनी ही दवाई खा ले, चाहे संसार भर की, दुनिया भर की, आयुर्वेद की खा ले, एलोपैथी की खा ले, होम्योपैथी खा ले, जितनी भी भारत के अंदर चिकित्सा पद्धति प्रचलित है, वो कितनी भी दवाई खा ले, क्या वो ठीक हो सकता, नहीं हो सकता। और पथ्य सती अगदार्थस्य, तो ये मतलब आयुर्वेद के ऋषियों ने एक सूत्र लिखा, यार ये सूत्र इतना अच्छा है, इतना फॉलो इसको करके देखना यार। आप जब आप पहले ही परहेज कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं कि, मतलब कि परहेज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मुंह बांध करके बैठना है, आपको कुछ खाना ही नहीं है। परहेज का अभिप्राय ये होता है कि जिस चीज़ से आपके शरीर के अंदर वो रोग बढ़ रहा है उसको मत खाओ, बस यहाँ पर परहेज का सिर्फ ये अर्थ ले रखा है। और मैं अभी आपको इतना मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊँगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और इतनी अच्छी अच्छी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने ज़िंदगी में कभी भी ना सुनी हो। मेरे माइंड के अंदर यही विचार घूम रहा था कि भाई इस नॉलेज को यूट्यूब के माध्यम से शेयर करते हैं, वीडियो की वीडियो बन जाएगी और आपको नॉलेज की नॉलेज मिल जाएगी। तो मेरे पास एक आयुर्वेद की पुस्तक रखी है, मैं इसको पढ़ रहा था, मैं आपको दिखा दूंगा, इसके ऊपर है ना कवर है, मतलब कि कवर हो रखा है, ठीक है। तो पुस्तक से बताऊंगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इनके अंदर, कोई एक भी पॉइंट रह गया ना तो क्या पता आपका नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार, तो यहाँ पर ये भी लिख रखा है, देखो एक एक फॉर्मुलेशन और भी है इसमें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कम से कम 18 प्रकार के विरुद्ध आहारों का वर्णन कर रखे, भाई जिनके खाने से आपके शरीर के अंदर रोग हो सकते हैं, बल्कि 100% मैं तो ये कहूँगा कि होंगे। दो तीन वीडियो मैंने शॉर्ट में भी डाली थी, उनसे भी खाने से रोग हो, रात के समय भाई दही खा रहे हो तो। यहाँ पर क्या लिख रखा, देखो दूध के साथ, यानी कि अगर आप दूध के साथ इन चीज़ों को खाओगे तो आप परमानेंटली बीमार पड़ने वाले हो। एक युवावस्था एक अलग बात होती है कि भाई उस समय आप बीमार नहीं होगे, लेकिन यहाँ बीमार आप हो सकते हो। जैसे आपने दूध के साथ दही खाया, बिल्कुल विरुद्ध आहार, बिल्कुल मेल नहीं है, दूध फट जाता है ना कोई खट्टी चीज़ डालने से। आपने नमक खा लिया दूध के साथ, सीप आदि की बीमारियाँ हो जाती है, मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा और बेलफल, नारियल, आमरता, यहाँ पर कुछ आयुर्वेद, आमड़ा, आमड़ा, ये भी सारे के सारे आयुर्वेद के पदार्थ हैं। नींबू खा लिया आपने, बड़हल खा लिया, करौंदा खा लिया, कमरक खा लिया, जामुन, कैथ, परावत, अमल फल, अनार, आंवला, गलगल, तोरई, गुड़, तिल, कुट, कुलथी, गुड़ भी क्या होता है, गुड़ के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूध से मेल नहीं खाते। आपने कुलथी की दाल खा ली, आपने उड़द मोठ की दाल खा ली, निष्पाव खा लिया, कंगू, वनक, सत्तू, तेल, अन्य प्रकार के खट्टे फल। मैं ये कहता हूँ खट्टी चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है दूध के साथ, बिल्कुल 100% मतलब कि बिल्कुल निषेध है। और मांस आदि का सेवन दूध के साथ कर लेते हैं, वैसे तो खाना भी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज़ होती है, इतनी स्मेल आती है ना मुझे तो, मतलब देख के चक्कर आ जाते हैं। फिर अगला लिखा इन्होंने दूसरे नंबर का, दही के साथ खीर नहीं खानी, दूध नहीं खाना, पनीर नहीं खानी, गर्म पदार्थ, गर्म भोजन नहीं खाना, खीरा, खरबूजा, ताड़ का फल, ताड़ माने खजूर का फल, ये नहीं आपको दही के साथ नहीं खाना। फिर तीसरा इन्होंने लिख रखा खीर के साथ, कटहल,
खटाई, दही, नींबू आदि, सत्तू, शराब आदि का सेवन विरुद्ध है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई जिनके सेवन करने से क्या पता हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग हो रहा, बहुत समय पहले पुरानी हमारे शरीर में खुजली हो रखी है, ठीक ही नहीं हो रही, क्या पता ये भी कारण हो उसके। शहद के साथ देखो, हम शहद प्रयोग करते हैं, शहद के साथ मकोई होती है ना, पिलपोटन टाइप होती है, अगर समान मात्रा में अगर आपने घी शहद के साथ ले लिया तो आपको बीमार करेगा। बारिश का जल पड़ता है, अगर आप शहद के साथ लोगे तो बीमार होगे। तेल अगर आप शहद के साथ लोगे बीमार होगे। वसा, वसा का मतलब फैट टाइप की धातु होती है। अंगूर आपने अगर शहद के साथ अगर आपने अंगूर ले लिया तो अभी आप बीमार हो जाएंगे। कमल का बीज होता है। मूली, ज़्यादा गर्म पानी, शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ मत लो, गर्म जल, गर्म दूध के साथ भी शहद नहीं लेना। जितने भी दूध पीने वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कभी भी दूध को ना गर्म शहद के साथ आपको नहीं लेना। कुसुम्ब का साग, शर्करा, शर्करा से बना शरबत, खजूर से बनी एक शराब होती है वो भी नहीं लेना, आदि का सेवन विरुद्ध है। शहद को गर्म करके बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको पता नहीं कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। चौथा में, अगर आप ठंडा जल पी रहे हो तो घी नहीं लेना उसके साथ में, तेल नहीं खाना, तरबूज नहीं खाना, अमरूद नहीं खाना, खीरा नहीं खानी, ककड़ी नहीं खानी, मूंगफली नहीं खानी, चिलगोजा आदि का सेवन बिल्कुल विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, जिनके सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर रोग हो सकते हैं उनको विरुद्ध आहार बोलते हैं। फिर गर्म जल के साथ में, अगर आप गर्म जल ले रहे हो तो शहद नहीं खानी, कुल्फी नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, शीतल पदार्थों का सेवन बिल्कुल हानिकारक है। घी के साथ, अगर हम गाय का, भैंस का, दो ही प्रकार का घी हमारे यहाँ प्रयोग होता है ज़्यादातर, समान मात्रा में शहद नहीं लेना और ठंडा जल घी के साथ कभी भी नहीं लेना। फिर अगला लिख रखा है, खरबूज के साथ लहसुन नहीं लेना। अगर आपने खरबूजा ले लिया तो उसके साथ लहसुन मत खाओ, दही मत खाओ, दूध मत पियो, मूली के पत्ते मत खाओ, पानी आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तरबूज, ठंडे पानी, पुदीने का सेवन, तरबूज के साथ ठंडा पानी, अगर आपने तरबूज खा रहे ऊपर से ठंडा पानी ले लिया तो समझो परमानेंटली आप बीमार होने वाले। तरबूज के ऊपर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर आयुर्वेद में लिख रखे, सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चावल के साथ, कभी भी चावल के साथ सिरका होता है, सिरका कभी भी चावल के साथ नहीं लेना, चावल के साथ सिरका बिल्कुल निषेध है। तिल की पट्टी बनती है, पोई को पका, तिल की पट्टी जो बनती है ना उसको कभी भी पका करके नहीं खाना चाहिए। नमक अधिक मात्रा में अधिक खाना, अधिक नमक भी, देखो नमक जो सामान्य हमारे घरों के अंदर प्रयोग हो रहा है, अधिक मात्रा में सेवन करना, ज़्यादा मात्रा में खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हम अंकुरित कर लेते हैं, जैसे हमने दाल को भिगो कर रख दिया और सुबह तक अंकुरित हो जाती है, तो उसको भी आपको नहीं खाना। कमल नाल का सेवन विरुद्ध आहार है, चनों के साथ कमल नाल होता है एक पदार्थ, उसके साथ कच्चे अंकुरित धन्ने के साथ पका भोजन, आपने कच्चा खाया फिर पका खा लिया, वो भी आपके शरीर को बीमार करेगा 100%। मकोए के साथ, मकोए या गांव में जितने भी बड़े लोग हैं ना मकोए को जानते हैं, मकोए क्या होती है, मकोए मतलब लीवर के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो पिपली, काली मिर्च, गुड़, शहद का सेवन के लिए हानिकारक है। जिस बर्तन में मछली पकाई गई हो उसमें रात भर रखे मकोए का साग सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब काली दाल होती है, उड़द की दाल, और काली दाल आप खाओगे मूली के, अगर काली दाल के साथ आपने मूली खाई तो परमानेंटली बीमार होने वाले हो, तो भाई देखो बीमार नहीं होना। केले के साथ अगर छाछ पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे, केले के साथ छाछ नहीं पीना चाहिए। मैं विरुद्ध आहार बता रहा, विरुद्ध आहार का मतलब होता है जिन चीज़ों को एक साथ मिलाकर खाने से आपका रोग बढ़ता है, बढ़ता नहीं यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। घी, कांसे की जो पदार्थ है, कांसे के बर्तन में 10 दिन या 10 से अधिक समय तक रखा हुआ विषाक्त हो जाता है, जहर बन जाता है। अगर कांसे के बर्तन में अगर आपने घी रख दिया तो समझ लो जहर बन जाएगा, और जहर को आपको पीना नहीं है। घी, फिर लिखा है दूध, सुरार, खिचड़ी, ये तीन चीज़ें कभी भी मिला करके नहीं खानी है। दूध, मैं फिर बता देता हूँ, दूध, सुरार, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह विरुद्धार होने के कारण हानिकारक है। मेरे हाथ में पुस्तक है आयुर्वेद की, मैं आपको थोड़ा वैसे करके दिखा देता हूँ। मैं इसको हाथ में लेकर के क्यों बैठा हूँ, मैं आपको वैसे भी नॉलेज दे देता, मैं वैसे भी बोल देता, मैं ये सोच रहा हूँ इसके अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख रखी है, अगर आप मेरे हाथ से एक भी छूट गई तो पता कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, या फिर आप वो गलती कर रहे हो जिस गलती को मैं बता रहा हूँ, आप वो गलती कर रहे हो और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे, क्या पता मेरे इस छोटी सी बात से आपका कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्या पता आपको रात के समय कढ़ी खा रहे हो, नहीं खानी चाहिए रात के समय, दूध में आप नींबू मिला करके पनीर, देखो आप समझदार हो, मेरी बात को सुन रहे, मैं कह रहा हूँ कि आप समझदार हो, क्या पता कहीं हम नहीं ऐसी गलती कर रहे हो, कुछ और लोग समझदार नहीं, उनको तो बात ये पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की बात है, बिल्कुल सामान्य ज्ञान है। तो कहते हैं कि इन आहारों के सहयोग करने से मनुष्य इतना बुरा पीड़ित हो जाता है, और फिर आगे अंत में चल करके मैं आप थोड़े एक दो बातें और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, विनापि भेषजर व्याधि पथ्यदेव निवर्तते। अगर आप परहेज करते हो, अगर आपको कोई गंभीर रोग है, मान लीजिए आपको चाहे कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार का रोग, अगर आप परहेज कर रहे हो
तो कहते हैं कि परहेज करने मात्र से भी रोग ठीक होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, परहेज करने से भी हमारे रोग ठीक होते हैं। और कहते हैं कि न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम स्तरसी। और जब आप परहेज नहीं कर रहे हो तो कहते हैं कि हजारों दवाई खा लो आप, हजारों का मतलब समझ रहे हो ना, हजारों दवाई खा लो लेकिन ठीक नहीं होने वाले। आयुर्वेद के ऋषि कोई पागल नहीं थे, बहुत समझदार थे, बहुत बड़े विद्वान थे, साधना किया करते थे, घंटों घंटों समाधि लगाया करते थे, ध्यान में बैठा करते थे, और औषधियाँ खुद उनको आकर के दवाइयाँ बताया करती थी कि भाई मैं इस रोग में काम आती हूँ, मेरा प्रयोग कर लो, मैं इस रोग में काम आती हूँ, मेरा प्रयोग कर लो। बड़ा कितनी विचित्र बात है, ऋषियों की अनंत महिमा है समाज को। वो खुद आकर के कहती थी कि भाई मैं इस रोग में, मेरे पीछे नीम के पेड़ लगे हुए, मैं आपको दिखा देता, मेरे पीछे नीम के पेड़ लगे हुए। अब यहाँ ऋषि ध्यान करने के लिए बैठ गए तो ऋषियों को खुद आकर के नीम का पेड़ ये कहेगा कि मैं इस रोग में काम आ रहा हूँ। बड़ा वो कितनी विचित्र बात है। और हम बेचारे, मतलब कि बेचारे ही कहे जाएंगे क्योंकि मनुष्य को ज्ञान तो है नहीं, उल्टी सुलटी चीज़ों को देखते रहते हैं, टीवी के ऊपर भी देख लेंगे, लेकिन ज्ञान की बात अगर कोई करने लग जाए ना तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। पता नहीं क्या व्यर्थ, मैं मुझे पता है ना, मैं करता रहता हूँ तो इसमें तो कहते हैं कि ये जो विरुद्धार है, काल भोजनम आरोग्य कारणम, एक सूत्र और भी लिख रखा है, अगर आपको स्वस्थ रहना तो ये नियम आपको अपनाने ही पड़ेंगे, और काल भोजनम आरोग्य कारण, समय के साथ और अनुचित आहार का आपको सेवन करना पड़ेगा। देखो विरुद्धार का वर्णन है और विरुद्धार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देखो करो, शरीर प्रकृति से बना, जाते जाते मैं दो तीन बातें बता देता हूँ। शरीर हमारा प्रकृति से बना, अग्नि जलवायु पृथ्वी पंच तत्वों से बना है, ठीक है। आप खा लोगे, मैं मानता हूँ खा लो आप, लेकिन नेचर तो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं मांस के लिए मना कर देता हूँ, भाई नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी के अच्छा नहीं माना जाता है, हमारी बॉडी के प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी लगे पड़े, फिर बाद में ऐसे रोग होते हैं, फूट फूट करके निकलते हैं, फिर रोते हैं झीकते हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो। मेरे भाई अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, पहले नहीं ध्यान दे सकते थे, अब ध्यान दे रहे हो, ये कोई समय है ध्यान देने का? भाई ऐसा काम मत करो, कम से कम बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, नॉलेजेबल, कुछ नॉलेज अडॉप्ट करो, कम से कम जीवन में काम तो आएगी, ये पागलपंतियाँ करने से क्या मिलेगा। तो जो समझदार होगा वो इस बात को मानेगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार की नॉलेज की वीडियो, आयुर्वेद से रिलेटेड, योग से रिलेटेड और अन्य प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते लाते रहते, मैं फिलहाल छत पर उड़ाऊँ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।